हेलो फ्रेंड्स, सारा दी इंडियन कुजीन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी टेस्टी पोहा। तो पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए एक बोल पोहा, हमें चाहिएगा हल्दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया, अमचूर पाउडर, थोड़ी सी हींग, सरसों के दाने एक चम्मच लगभग, एक चम्मच चीनी, थोड़ा सा ऑयल 2 से 3 चम्मच। हमें कुछ वेजिटेबल्स भी चाहिएंगी, उसमें हमारे पास है शिमला मिर्च, ये 2 छोटी शिमला मिर्च है, हमने इनके बीज निकालकर इनको काट लिया है। हरी मिर्च 2 से 3 बारीक बारीक काट ली है। ये एक प्याज है जो हमने बारीक करके गार्निशिंग के लिए रखी है। ये टमाटर है, इसके भी हमने बीज निकालकर इसको काट लिया है। ये एक बड़ा टमाटर है। ये चौकने के लिए प्याज है जो हमने रफली चॉप कर ली है। और ये है कड़ी पत्ता। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पोहे को धोना है, इसलिए हमें एक छलनी लेनी है और इसमें डालकर ये पोहा धोएंगे। तो इस तरीके से हम पोहे को डाल देते हैं और 2 से 3 बार लगभग हमें पोहे को अच्छी तरीके से धोना है। थोड़ा पानी डालना है, फिर चम्मच से चलाकर इसको ऊपर नीचे करके धोना है। इसी तरीके से 2-3 बार पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे और इसको एक तरफ रख देंगे छलनी में। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखते हैं, गैस चालू करते हैं और इसमें सबसे पहले हमें ऑयल डालना है। तो ये हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल के गर्म होने पर हम सबसे पहले इसमें ये सरसों के दाने डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें सरसों के दाने डाल देते हैं। अब सरसों के दाने भुन चुके हैं, अब इसमें डाल देते हैं हम कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद इसमें डालते हैं हम ऑनियन। ऑनियन डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम ये हरी मिर्च भी। और लगभग 30 सेकंड के लिए इसको हम भून लेंगे। हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ भूनना है, हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए। प्याज को हमने हल्का भून लिया है, अब इसी में हम ये शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। शिमला मिर्च को कम से कम 2 मिनट तक हमें भूनना है। अब हमने शिमला मिर्च को भी भून लिया है, अब इसमें हम मसाले डालने शुरू करते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 पिंच या 2 पिंच हींग। अब इसको अच्छे तरीके से चलाना है और इसमें ये जो टमाटर है ये भी डाल देते हैं।
जितना भी टमाटर में पानी होगा ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, अब इसमें डालना है पोहा। तो जो हमने पोहा भिगो कर रखा था वो ये रहा, एकदम खिला खिला, सब डाल देते हैं। और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से चला देते हैं। हमारा मसाला काफी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है इसमें। अब इसी स्टेज पर हमें इसमें चीनी डालनी है, तो हम ये चीनी डाल देते हैं और एक चौथाई अमचूर पाउडर हमें थोड़ा सा और डालना है ऊपर से। डालने के बाद इसको हम गैस को हम बंद कर देते हैं और इस पर ढक्कन रख के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको लास्ट में हम एक बार और चलाएंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, इसका ढक्कन हटा के देख लेते हैं। चीनी लगभग घुल गई है, इसको एक बार ऊपर नीचे चला देते हैं। ताकि जो चीनी घुली है वो चारों तरफ फैल जाए। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा वेजी पोहा बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी पोहा बना है, आप भी अपने घर में बनाइए इसको, पर साथ में ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।